हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान एक अलग हटकर केस लेकर आया हूँ। जो आपको आवाज़ दिखाई दे रही है, जो आपको परेशानी इसमें दिखाई दे रही है, बहुत ही ताकत लगाकर इसमें ये पशु सांस ले रहा है। ये अंतिम अवस्था का केस है जिस बीमारी का नाम है हेमरेजिक सेप्टिकसीमिया। शॉर्ट रूप में इसको HS कहते हैं, कहीं कहीं इसको घुरका कहते हैं, कहीं कहीं इसको गलघोटू कहते हैं। आम तौर से ये बीमारी 6 महीने से लेके 2.5-3 साल के पशुओं में पाई जाती है और इसका सीजन बरसात होता है। लेकिन अब ये मैं बता रहा हूँ, ये देखिए आप कि गले के नीचे सूजन है। और सूजन क्या होती है, जो नेक के आसपास जो मसल्स होती हैं, ट्रेकिया के आसपास जो मसल्स होती हैं, उस मसल्स के में इन्फ्लामेशन होता है और उस इन्फ्लामेशन के कारण वहाँ पर सूजन आती है। और सूजन आने के बाद ट्रेकिया दब जाता है, वहाँ से पिचक जाता है, नैरोइंग हो जाती है और जो रास्ता सांस आने का नॉर्मली होना चाहिए उससे उसका डायमीटर कम हो जाता है, तो पशु बहुत ताकत से सांस लेने लगता है। और इस अवस्था में यहाँ पर जो अवस्था आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से पटक लगने के बाद, गिरने के बाद पशु की डेथ होने की संभावना बनी रहती है। मेरे द्वारा काफ़ी सालों से इस पर काम किया जा रहा है। सन 2001-2002 में मेरा एक पेपर पॉलीवेट इंटास में आ चुका है। अब तक कई 100 ऑपरेशन कर चुका हूँ और बहुत ही सफल ऑपरेशन होता है ये। स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं। ऑपरेशन क्या है, टेम्परेरी अरेंजमेंट हम इसमें करते हैं। एक ऑर्डिनरी PVC का पाइप लेते हैं और उस पाइप की सहायता से 8 इंच का पाइप की लंबाई होती है, वो हम तैयार करते हैं और उसे तैयार करने के सिलाई करने के बाद उसका इसमें यूज करते हैं। तो जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया जहाँ से ब्लॉक होती है, जहाँ से बंद हो जाती है, अब मैं आपको प्रोसीजर थोड़ा सा दिखाऊंगा। ये वो साइड है जहाँ से हम सर्जरी को करेंगे। ये देखिए, ये एंटीसेप्टिक लोशन हम अप्लाई इस पर कर रहे हैं यहाँ से, और एंटीसेप्टिक लोशन सप्लाई अप्लाई करने के बाद यहाँ से लोकल हमने यहाँ पर एनेस्थीसिया दे दिया है। लोकल में ही इसको करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया देंगे या सेडेटिव देंगे तो यहाँ से पशु की डेथ होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये यहाँ से हम पूरी साइड तैयार कर ली। अब हम यहाँ से 11 नंबर ब्लेड की मदद से यहाँ पर एक इंसीजन स्किन मसल्स फेसिया को इंसाइज करते हुए यहाँ से ये ट्रेकिया को इंसाइज करेंगे। और जैसे ही ट्रेकिया इंसाइज होगी, ट्रेकिया के अंदर हम चीरा लगाएंगे और उसके अंदर हम पाइप को पास कर देंगे। वो पाइप का डायमीटर 0.5 इंच के आसपास रहता है, लंबाई उसकी 8 इंच रहती है और 2 इंच बाहर रखकर सुतली से, ये दिखाई दे रहा है, इस सुतली से बांध देते हैं ताकि ये ट्रेकिया के अंदर ना जा पाए। ये आपको फील भी हो रहा होगा, ये दिखाई भी दे रहा होगा, हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम आपको दिखाएं। ये एक एक करके चीज़ें आपकी समझ में आनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि इसको एंटीबायोटिक क्या दें। एंटीबायोटिक में इंजेक्शन सेफ्टी फोर सोडियम 1 ग्राम, BD देंगे, इंजेक्शन प्रेडनिसोलोन 10 ml BD देंगे, और इसमें मेलोक्सिकैम पैरासीटामोल मेलोनेक्स 15 ml सुबह शाम देंगे आप, BD देंगे। और ये देखिए, जो जो पाइप डाला था उससे कितनी बढ़िया हवा पास हो रही है। ये एक पेपर हमने लगाया है, आगे पीछे जा रहा है, ये अग्निवीर है, ये ट्रायल कर रहा है कि पाइप से कितनी बढ़िया हवा पास हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू, धन्यवाद, आदाब।